अगर आपके यहाँ भी मेहमान आने वाले हों और आप कुछ मार्केट स्टाइल बनाने की सोच रहे हों तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर देख लीजिए। इसके लिए मैंने आधी कटोरी मूंग दाल छिलका भिगो के रखी थी। मेहमान आने वाले तो टाइम इतना नहीं था तो मैंने ये गर्म पानी में भिगो दी थी जो फूल के एक कटोरी हो गई है। अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दूँगी। इसमें 1-2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4-5 हरी मिर्च और 1 चम्मच सौंफ का डाल के इसमें और 1 चम्मच जीरा डाल के मैं इसे पीस लूँगी। इसका फाइन पेस्ट बनाना है, दरदरा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से इसका फाइन पेस्ट हो जाएगा। इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, अगर आपको नीड हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे एक बड़े से परात में निकाल लूँगी क्योंकि हमें इसका आटा गूंदना है। अब इसमें मैं सबसे पहले 2 चम्मच बेसन और 2 चम्मच चावल का आटा एक साथ मिला के छान लूँगी। अब वो भी इसमें रख दूँगी। अब इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। अब ये मैंने 1 कटोरी मूंग दाल छिलका ली थी, मतलब भीगी हुई, तो उसमें मैं 1 से 1.5 कटोरी गेहूं का आटा डाल दूँगी। अब मसालों में मैं सबसे पहले इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और नमक, ये सब डाल दूंगी। अब इन सब को डालने के बाद मैं इसका एक टाइट डो नीट करूंगी। अभी हमें इसमें पहले भी पानी ऐड नहीं किया था और अभी भी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब तक हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, पहले दाल को पीसने में भी पानी ऐड नहीं किया है और अब भी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। पहले हम देखेंगे कि दाल के साथ कैसे इसका आटा कितना, मतलब टाइट डो नीट हो रहा है। अगर थोड़ी सी लगी नीट तो हम 1-2 छींटे पानी के लगा देंगे, पर मुझे इसमें बिल्कुल भी पानी की नीट नहीं लगी। देखिए आटा बिल्कुल टाइट डो नीट हो चुका है। अब मैं इसमें घी लगा लूँगी, थोड़ा 1 चम्मच घी से इसको अच्छी तरह से कर लूँगी और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। दूसरी साइड मैंने कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के मैं इसमें तलूँगी। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये आटा बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, नहीं तो ये सॉफ्ट पूड़ियों की तरह हो जाएंगी। अगर टाइट होगा तो देखिएगा ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें हमने मूंग दाल छिलका ली है, अगर मूंग की धुली दाल होती है तो पूड़ियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, छिलके वाली होती है तो ये क्रिस्पी बेरी की तरह बनेंगी। दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी करके हम इसे निकाल लेंगे। और मैंने अब आलू की सब्ज़ी और मीठी चटनी भी सौंट की बना के रखी थी, मैं इसे भी इसके साथ रख दूँगी। देखिए मैं एक आपको सर्व करके दिखा रही हूँ कैसे बिल्कुल मार्केट में मिलती है। इसे पहले हाथ से थोड़ा क्रश कर लेंगे, मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। देखिए एक बेरी मैं ले रही हूँ, मैं इस धोने में ले रही हूँ ताकि बिल्कुल मार्केट जैसी लगे। इसे थोड़ा हाथ से तोड़ लेंगे, इसके ऊपर आलू की सब्ज़ी रखेंगे और मीठी चटनी जो सौंठ की बनाई थी। थोड़ी सी इसकी चटनी थोड़ी पतली बनाइएगा तो बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना। आप ये एक बार नाश्ता ज़रूर ट्राई कीजिए।